Okay. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حاضرين السنه پہلے جو درس ہوا تھا ہم نے الله رب العالمين कि ये सुन्नत रही है कि अल्लाह आलमीन इस दुनिया में लोगों को आज़माता है परेशानियों में अल्लाह आलमीन बीमारियों में अल्लाह आलमीन मुब्तला करा है और कभी ये परेशानी ये मुसीबतें इफरादी होती हैं और कभी ये मसाइब और ये परेशानियाँ इजतमाही होती हैं जब इजाही होती हैं तोमूम ये हमारे आमाल का नतीजा होती हैं कि जब माशरे में बेहयाई याशरे में बुरे काम मासीत फैलती है, है तो अल्लाह रबालमीन परेशानियों में बीमारियों में अल्लाह रबालमी मुबला करता है कि इंसान अल्लाह रबालमीन की जानब लौट आए और अपने गुनाहों से मासीत के इत से वो तोबा कर ले और कभी ये परेशानी ये बीमारियाँ अल्लाह रब्लम हमारे अमाल का नतीजा इनफरादी तौर पर हो तब भी होती हैं कि अल्लाह रब्बुल रब्लमिन इसके ज़रिए हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और ये बात इससे पहले शायद बयान नहीं हुई थी आज बयान कर देंगे कि बीमारियों का फ़ायदा होता क्या है बीमारियों का फ़ायदा हमारी ज़िंदगी पर होता क्या है इससे कबल ये बयान किया गया था कि जिस कदर इंसान नेक होता है अल्लाह रब्लम का महबूब होता है अल्लाह रब्लमिन उतनी ही ज़्यादा बीमारियों में मुसीबतों में अल्लाह रब्लम मुब्तला करता है और ये बात मैंने हरीत के हवाले से बयान की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया सी अशदबला के सबसे ज़्यादा मुसीबतें किस पर आती हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्बिया कराम पर फिर सालकिन पर फिर उनसे अमाल में जो जितना करीब होगा उतनी ज्यादा उस पर परेशानी आएगी जितना ईमान हमारा मजबूत होगा उतनी ज्यादा अल्लाह हरबालमीन परेशानियों में मुबतला करता है और ये भी हमारे लिए बेहतर ही कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया आजबन अमरमिन इन अमर हो कुल्लू लहू खैर इन सबत हो सर्रा ओ दबा इन सबत हो सर्रा ओ शकर फ़कान खैर

हमारे तकदीर लिख दी है जो कुछ होना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ हमारे मुकद्दर में लिख दिया है कि हम किस वक्त किस हालत में होंगे और किन किन परेशानियों से या किन किन आराम और किन खुशहालियों से हम गुजरेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब चीज़ें लिख दी है। ये हमारा ईमान है अगर खुशहाल हों हम तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया शकर हम शुक्र अदा करें अल्लाह आलमीन का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमतों से नवाज़ा है अल्लाह रब्लम ने हमें नेमतों में रखा है शिक्र अदा करें हम उसका अल्लाह रब्लम का ऐसा ना हो कि मगरूर हो जाएँ मतकबर हो जाएँ घमंडी बन जाएँ या फिर तकब्बर करने लगें अपनी सेहत पर अपने माल पर या अपनी अल्लाह की दी हुई नहमतों पर यह ना करें बल्कि शुक्र अदा करें अल्लाह के नबी सल्ह वसम ने कहा यह हमारे हक़ में बेहतर है और फिर अल्लाह के नबी सल्हसम ने कहा जब मोमिन को मुसीबत पहुंचती है जब वो किसी आजमायश में मुबतला होता है चाहे वो उसकी आजमाइश उसके माल में हो चाहे वो उसके अपने जिस्म में हो चाहे उसकी औलाद में हो या किसी भी किसी से भी ताल्लुक रखने वाली उसकी आज़माइश हो जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वह सब्र करता है अल्लाह के नबी वसल्म ने कहा उसके हक़ में ये बेहतर है तो ये बीमारियाँ जो अल्लाह रब्लम किसी मुसलमान को किसी ममिन को बीमारी में मुबला करता है तो ये समझ लें कि अगर वो उस पर सब्र करता है तो उसके हक हाँ में ये बेहतर है उसके हक हाँ में ये बेहतर है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीत है एक सहाबिया के पास क्यादत के घर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते और वो सहाबिया बुखार के मर्ज़ में मुब्तला थीं शदीद बुखार था जब अल्लाह के नबी वसल्लम उनका हाल दरियाफ़त करते हैं तो उन्होंने बीमारी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया बीमारी को बुरा भला कहा तो अल्लाह के नबी सल्ला वसल्लम ने उन्हें मना किया अल्लाह के नबी वसल्लम ने उन्हें मना किया और कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब इंसान बीमार होता है तो उस बीमारी की वजह से अल्लाह रबालमिन उसके गुनाहों को माफ़ कर तो ये बीमारियाँ यबालमीन की जानब से एक सब्र करने वाले ममिन बंदे के लिए रहमत ही है इसी मायने में हजरत मुआद बिन जबल या अबू अबैदा बिन्रदी अल्लाह तुमान या शराबे बिन हसन रबी अल्लाह तुम यह तीनों साहबा कराम से ये मनकूल है कि जब ताउन की बीमारी आई शाम में उस वक्त जब बाद लोगों ने उसे अल्लाह का आदाब कहा मुसलमानों पर भी मुसलमानों पर भी मुसलमानों के हक़ हाँ में भी अल्लाह का आदाब उससे गर्दाना तो उन्होंने कहा नहीं ये अल्लाह की जानब से रहमत है क्योंकि अल्लाह रबालमी इसके ज़रिए जिसे चाहता है शहादत की मौत नसीब करता है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की हदीस है जो ताम में इंतकाल कर जाता है वो शहीद का दर्जा पाता है तो इसी को हजरत माद बिन जबल शुरबील बिन हसना और आबूआबीदा बिन जरूर हरबील तम कहते हैं कि ये अल्लाह रब्लम की जानब से रहमत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बयान फरमाया कि मोमिन के हक़ में यह रहमत है क्योंकि मोमिन इस पर सबर करता है उसे अल्लाह की जानब से मुकद्दर समझता है तो अल्लाह रब्लम उसके गुनाहों को माफ करता है और उस शदीद बीमारी में उसमें मुबला होकर वो इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह रब्लामीन उसे शहादत की मौत नसीब करता है

यामत के दिन जब वो लोग देखेंगे कि बीमारियों में परेशानियों में मुबतला होने वाले को जिस कदर अल्लाह हरबल अज़र से सवाब से नवाज रहा है तो वहाँ पर यह तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनके जिसम भी कैंचियों से काट दिए गए होते ताकि वो इस क्यामत के दिन इस अजर के सवाब के मुस्तक हो जाते अल्लाह के नबी सल वसलम ने बयान फरमाया कि जिस कदर इंसान परेशानी में मुबला होता है उसी कदर उसका सवाब ज्यादा ज्यादा ज़्यादा मिलता है जितनी परेशानी आएगी उतना सवाब भी अल्लाह रबालमिन उसे अदा करेगा यहाँ तक अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा वन अलाब्बन इबलाम ये तरमीब नमाजा की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्हसम ने कहा व इलाब्बाउन इबिला जब अल्लाह रबालमिन किसी को चाहता है किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश में मुबतला करता है और दूसरी जगह इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया मिनहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बीमारियों में मुबतला करता है तो यह बीमारी अगर इसे हम अल्लाह की जानिब से समझते हुए इस पर सब्र करते हैं अल्लाह आलमीन से इल्तिजा करते हैं अल्लाह आलमीन की जानिब लौट आते हैं और अपनी दिली जो बीमारियाँ थीं उससे अपनी दिल को साफ़ करते हैं तो अल्लाह आलमीन इस पर हमें सवाब अता करता है इस पर हमें सवाब अता करता है हमारे गुनाहों को अल्लाह आलमीन इसके ज़रिए माफ़ करता है और यही सब्र है जब आदमी सबर करता है बीमारियों पर तो अपने इस सब्र की वजह से वो जन्नत का भी मुस्तक हो जाता है हदीस मशहूर है रिवायत में है जैसा कि हम बार बार सुनते रहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास तन कहते हैं कि अल्लाह के नबी उन्होंने सवाल किया

और कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बीमार होती हूँ और बीमारी क्या थी इन उसे राह के मैं फिट्स आते हैं मुझे फिट्स में आदमी क्या होता है बेहोश हो जाता है तो कहा मैं बेहोश हो जाती हूँ और जब बेहोश होती हूँ तो मेरे कपड़े किस हालत में हैं मेरी सतर खुल जाती है मुझे होश नहीं होता उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए मेरे हक हाँ। में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन सबरती इनशरतीन्न

अल्लाह के नबी सल्लाम में सबर कर लूँगे बस इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरा सतर जो खुल जाता है बेहोश होकर वो मेरा शतर ना खुले अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने उसके लिए दुआ की उनके हक में तो यह है कि आदमी जब बीमारी पर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुलमिन उसके ज़रिए अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करता है और जन्नत भी अल्लाह रब्लम जन्नत का भी मुस्तह बना देता है जैसे कि एक और एक सहाबियाँ हैं अंसारी सहाबियाँ हैं और ये हम ये शायद वाक़ सुने भी होंगे कि एक मरतबा ये बीमारी यानी ख़ास तौर से बीमारी ये बुखार की बीमारी बुखार ये अहल कुबा को कुबा के रहने वालों को बहुत ज़्यादा होने लगी थी और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा आती है बीमारी है बुखार खुद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उसे अहल कबा की जानबी भेज दिया और वो जब बीमार होने लगे तो अल्लाह के नबी सल्ला वसम के पास आए तो वो अल्लाह के नबी सल वसलम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्ह वसम से कहा कि देखिए हम बीमार हो रहे हैं हमें बुखार लाख हो रहा है बुखार में हम मुबला होते जा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूँ तुम्हारे हक़ में और तुम्हारी ये बीमारी तुमसे हट जाए ख़त्म हो जाए और अगर तुम चाहो तो इस बीमारी में मुबता रहो और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हक में ये गुनाहों के केफ गुना का कफ़ारा बना दे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए माफ़ कर दे तो वो अहले कुबा वो इस पर राज़ी हो गए के बीमारी रहने दीजिए ताकि हमारे लिए ये हमारे हक़ में ये गुनाहों का कफारा बन जाए तो वैसी ही एक रिवायत आती है कि अंसार को भी जब बुखार होने लगा था बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए उनके लिए दुआ की अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम कि अल्लाह आलमीन उन्हें शफ़ा अता करे जब अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम जाने लगे वहाँ से एक औरत सहाबिया आती हैं अल्लाह था है के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीछे हिस्से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी हूँ मेरा भी ताल्लुक से है मेरे वालिद अंसारी हैं दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसा कि आपने अनसार के हक़ में दुआ की मेरे हक़ में भी दुआ कर दीजिए कि मैं शफा पा जाऊँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूँ तुम्हें शफा मिल जाए और अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हें जन्नत मिले कहा अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूँगी मैं सब्र कर लूँगी मैं जन्नत का सौदा नहीं करना चाहती तो यह होती है कि आदमी जब बीमारी पर सब्र करता है तो अल्लाह रबालमिन उसके दर्जात को भी बुलंद करता है दर्जात को भी बुलंद करता है हज़रत अबू हर रजी अल्लाह तु के मुतल आता है कि वो बीमारी में सबसे ज़्यादा बुखार से महब्बत किया करते बुखार सबसे ज़्यादा महबूब था हज़रत अबू हर रदी अल्लाह तनों कहते हैं कि जब बुखार आता है किसी को जब बुखार आता है तो पूरा जिस्म उसका दर्द होने लगता है पूरे जिस्म में वो बीमारी लाक हो जाती है उसका असर अच्छा पूरे जिस्म पर होता है हर जॉइस उसका पेन होता है तो हजरत अबू हर रजी अल्लाह तनो कहते हैं कि बीमारी में सबसे ज़्यादा मुझे बुखार पसंद है क्यों इसलिए कि बुखार की वजह से पूरा जिसम दर्द होता है पूरे पूरे जॉइंट्स पेन होते हैं और हर जॉइंट्स के बदले अल्लाह रब्लमिन मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा हर जॉइंट्स का जो पेन है उसके ज़रिए अला रब्लमिन मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा तो यह है अल्लाह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब इक्राम का तर्ज अमल और बहुत सारे ऐसे हमें वाक़ मिलते हैं कि वो किस तरीके से बीमारियों पर सब्र किया करते थे और ये बीमारी का एक फ़ायदा है कि हमें यह सब्र का आदि बनाता है बीमारी हमें सब्र का आदि बनाती है कि हम सबर करें अल्लाह हरब्आमीन के रदा के खातिर अल्लाह रबालमीन की लिखी हुई तकदीर पर ईमान रखें अल्लाह रब्बालमीन हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा अल्लाह रब्बालमिन हमारे दर्जात को भी बुलंद करेगा अल्लाह हरबालमीन जन्नत का भी मुस्तहक बनाएगा और जब साहब कराम का यह मामूल था जब बीमार होते थे तो अपने गुनाहों को याद करते थे गुनाहों को याद करते थे गुनाहों को याद करने के मतलब सिर्फ गुनाहों को याद करना नहीं बल्कि गुनाहों को याद करते हुए अपने गुनाहों से माफ़ी माँग मांगते थे जैसा कि हजरत अब्दुल्ला तन और अबू दर्दा अब रदील्ला तभी मुतिक आता है कि वो बीमार हो गए दोनों का अलग अलग वाक्य अभी तो बयान कर रहा हूँ अब्दुल्ला का वाक़ा है उनकी इयादत के लिए हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजील्लाह तशरीफ़ लिया है और कहा क्या हो गया है तुम्हें Anyway, क्या परेशानी है कहा मेरे भी, मेरी बीमारियाओ मुझे मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है जो बीमारी है तो उन्होंने कहा ये मुझे मेरे गुनाह है फिर कहा अच्छा किस चीज की तुम्हें उम्मीद है क्या परेशानी है तो कहा मेरे गुनाह कहा तुम्हें उम्मीद क्या है किस चीज की तुम्हें तमन्ना है क्या आर्जू है कहा रहमत रब्बी मेरे रब के रहमत की मुझे तमन्ना है कि मेरे रब की रहमत मुझे मिल जाए बस तो ये था साहब कराम का मामूल कि वह जब बीमार होते तो सब्र किया करते अपने गुनाहों को याद करते अपने गुनाहों से माफ़ी मांगा करते थे और ये हम बार बार सुनते ही हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब किसी को कोई मुसीबत पहुंचती है चाहे वो मुसीबत उसके जिस्म में हो बीमारी की शक्ल में चाहे वो उसकी मुसीबत उसके गम परेशानियों में हो यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे छोटी चीज़ बयान की और कहा कहात शव का युषा हुआ एक कांटा भी अगर एक मोमिन को चुभता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए उस मोमिन के गुनाहों को माफ करता है तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि गुनाहों का फ़ायदा है कि एक कांटा भी चुपता है तो हमारे गुनाह माफ होते हैं और दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान दूसरी रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطية कि एक मोमिन इस दुनिया में हमेशा आजमाइशों में परेशानियों में घिरा रहता है। उसकी आजमाइशें मोमिन दोनों मोमिन मर्द हो या ममिन औरत हो हमेशा परेशानी में रहते हैं चाहे वो उनके जिस्म में कभी परेशानी होती है चाहे कभी उनके माल में कभी मुसीबत आ जाती है कभी उनकी औलाद से उन्हें तकलीफ़ होने लगती है तो ये हर किस्म की परेशानी में मुबतला रहते हैं हती हम यहाँ तक के जब इन परेशानियों में मुबला होते होते उनके गुनाह माफ हो जाते हैं क़ियामत के दिन जब पहुँचते हैं अल्लाह हरबाल आलमीन की बारगाह में तो कोई गुनाह नहीं होता कोई गुनाह नहीं होता बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने नेयामत की ही बात नहीं कही बल्कि दूसरी रिवायत में है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कहा परेशानियों में मुबला होकर गुनाह उसके गुनाहों का कफरा बन जाते हैं तो इन गुनाहों से अल्लाह रब्लम हमारे गुना हम बीमारियों से परेशानियों से अल्लाह लाब्आमिन हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और दूसरी रिवायत में है कि हमारे दर्जात को भी अल्लाह रबालमीन बुलंद करता है जैसा कि एक वाक है आय शर्द्ला तहा की खिदत में चंद क्रैश के नौजवान हाजिर होते हैं और वह हंसते हुए आते हैं हजरत आय शर्द्ला तह की बारगह में हंसते हुए आते हैं और हंस किस चीज़ पर रहे थे वो पूछा हजरत आयशा ने भाई किस पर हंस किस चीज़ पर हंस रहे हो तो कहा कि एक आदमी टेंट जो लगाते हैं उसकी जो रस्सी होती है कहा उस रस्सी में फंस गया और ऐसा गिरा है कि उसकी या तो गर्दन टूट गर्दन की हड्डी टूट सकती थी या तो उसकी आंख जा सकती थी इतने ख़तरनाक तरीके से गिरा है इसलिए हमें हंसी आ रही है तो वह हंस रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह कहती हैं हंसो नहीं हंसने की बात नहीं है हम किसी के परेशानी पर हंसे नहीं किसी की बीमारी पर हम हंसे नहीं क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना है कि किसी मुमिन को कांटा भी चुभता है या कोई तकलीफ पहुंचती है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो अल्लाह आलमीन एक दर्जा उसके लिए लिख देता है और उसका एक गुनाह अल्लाह रब्लम तो एक ये भी अदब सिखलाया गया हमें कि हम किसी की बीमारी पर हंसे नहीं किसी की बीमारी पर हमें हंसने की भी ज़रूरत नहीं है हमें खुश भी नहीं होना है और ये एक हमारे मुवालत में हम पड़े रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई है कि जब हम बीमार के पास जाएँ या किसी बीमार को देखें या किसी परेशान हाल को देखें तो ये दुआ करें अपने हक हाँ में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ही। के का शुक्र है। ही की है जिसने मुझे उस परेशानी से बचाए रखा दूर रखा जिसमें तुझें 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 तुझे मुब्तला किया है तो कराम कहते हैं कि ये बीमार के मुंह पर यानी बीमार के सामने जोर से कहना नहीं है कि उसे तकलीफ पहुंचे बीमार के सामने जोर से नहीं कहना है आपको अगर दुआ करनी है आप आहिस्ता से अपने दिल में दुआ कर लीजिए या वहां से हटने के बाद दुआ कीजिए लेकिन बीमार को तकलीफ में मुबतला करना इस दुआ के जरिए भी ये हमारे लिए जायज नहीं है तो बीमारी पर किसी के हंसना हमारे लिए जायज नहीं है तो ये रहा कि जब आदमी बीमार होता है तो अल्लाह आलमीन उसके जरिए हमारे हमारे गुनाहों को हमारे अल्लाह रब्लम माफ़ कर देता है तो ये बीमारी का फायदा है ये बीमारी का फायदा है कि अल्लाह रबालमीन हमारे गुनाहों का कफारा उसे बना देता है अब रहा ये कि बीमार आदमी अगर बीमार होता है इंसान तो क्या करे बीमारी ये अल्लाह की सुन्नत है अल्लाह रब्लम बीमारियों में मुबतला करता है अब अगर हम बीमार हों तो क्या करें बीमार अगर हों तो अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने हमें सिखलाया है कि हम सिर्फ़ तवक्ल करते हुए खामोश न रहें तवक्ल करते हुए हम खामोश न रहें बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इलाज करें हम इलाज करें औरज बहुत कस्म के हैं अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने जो इलाज के तरीक़े बतलाए हैं बहुत सारे हैं तो और इलाज का तरीक़ा यह तजरबों पर मबनी है हाँ इलाज की दो किस्में हैं एक है अल्ला हरब्आलमीन की रहमत से हम अल्लाह रब्लम के अल्लाह रब्बालमीन से दुआ मांगे कि अल्लाह रब्लम हमारी इस बीमारियों को ख़त्म कर दे चाहे बीमारी में मुबतला होने से पहले या बीमारी में मुबला होने के बाद भी और दूसरे इलाज है जो दवाओं के जरिए होता है इन दोनों चीज़ों पर भी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने हमें उभारा है इलाज हमारा अल्लाह रब्लम से लो लगाना भी है अल्लाह रब्लम से दुआ करना भी है और साथ ही साथ इलाज भी करना है दवाओं के ज़रिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीम दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्लम ने जितनी भी बीमारियाँ बनाई हैं सब का इलाज अल्लाह रब्लम ने बनाया है जितनी भी बीमारियाँ हैं सबका इलाज भी अल्लाह रब्लम ने बनाया है सिर्फ दो बीमारियां हैं उसका इलाज नहीं है एक है बुढ़ापा उसका इलाज नहीं है कोई बूढ़ा जवान नहीं होता है किससे इलाज के ज़रिए और दूसरी है मौत मौत का इलाज नहीं है और यह भी हम जहन में रखें कि कोई बीमार होकर वक्त से पहले अपने मरता नहीं है बीमारी तो हमारे लिए समझ लिए कि एक बहाना है हम उसे सबब कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी में मुब्तला करके उसे मौत दी है लेकिन बीमा बीमारी की वजह से मौत हमारी न पहले आ सकती है और न ही किसी के सेहतमंद होने की वजह से उसकी मौत बाद में आएगी वक्त से नहीं वक्त ही पर इंसान मरेगा इस दुनिया से रुखसत होगा ये हमारा ईमान है और इस पर यकीन रखना चाहिए लेकिन जब बीमार हो जाएं तो सबसे पहले तो हमें तो अपनी सेहतमंद सेहतमंदी के आलम में जब सेहतमंद रहें हम उसकी क़दर करें अपनी सेहत की बीमार ना होने की कोशिश करें अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हरबुल हरब्आलमिन हमें बीमार ना करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब भी दिलाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इससे पहले ही बयान किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे हर सुबह हर शाम शामी सरुक वाल तफ़ीदीनी वो दुनिया आया वह फिर अहली पूरी लम्बी दुआ है सीखना चाहिए हमें कि अल्लाह के नबी सल्लाम दुआ करते थे कि अल्लाह रबालमिन में तेरी मकफ़रत चाहता हूँ रबालमिन में सेहतमंदी का सवाल करता हूँ कि तो मुझे सेहत अता कर तो ये अल्लाह के नबी सल्लाम मांगा करते थे हम दुआ करें अल्लाह आलमीन से कि अल्लाह आलमीन हमें सेहतमंद रखे सेहतमंदी एक बहुत बड़ी नेमत है और मैंने इससे पहले हदीस के हवाले से आपके सामने बयान की थी कि मालदारी से बढ़कर नेमत सेहतमंदी है तो इस सेहतमंदी के आलम में हम अपनी सेहत का ख्याल रखें सेहत का ख्याल रखें सेहत का ख्याल रखें। कैसे रखेंगे सेहत के ख्याल के लिए सबसे पहले हमें उन चीज़ों से बचना है जो हमें बीमार करने वाली हैं जो हमें बीमार करने वाली चीजें हैं उन चीज़ों से बचना है और सबसे पहले और अल्लाह आलम अल्लाह रब् आला, रबालमिन से दुआ भी करना है कि अल्लाह रबालमिन हमें बीमारी में मुबतला ना करे इनसे अल्लाह रब्लम हमें बचाए रखे सुबह शाम की दुआएं हैं अल्लाह के नबी ने सिखलाई हैं यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स ला मा बिसमदी लादरु मसम ही शयदी व वह अगर कोई शख्स सुबह को पढ़ता है और शाम को पढ़ता है तीन तीन मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अचानक किसी बीमारी में या किसी मुसीबत में अल्लाह रबालमिन उसे मुबला नहीं करेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों से बचने का तरीक़ा सिखाया आदमी दुआओं का अहतमाम करे यहाँ तक कि एक, एक वाक़ आता है कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात बिच्छू ने मुझे डंक मार लिया है कल रात बिच्छू ने मुझे डंक मार लिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम रात में ये दुआ पढ़ लेते मिन मा खलक। अगर दुआ तुम पढ़ते तो तुम्हें बिच्छू डंक नहीं मारता तो बीमारियों से पहले हम बीमारियों से बचने का इंतजाम करें कि अल्लाह रबालमी से दुआ करें सुबह शाम की दुआओं का अहमाम करें और जो अल्लाह के नबी सिखलाई है दुआएं घर से बाहर निकलने की और भी दूसरी दुआएं हम इन दुआओं का अहतमाम करें ताकि हम अल्लाह रब्लम के रहमत के साय में रहें और अल्लाह रब्लम बीमारियों में परेशानियों में हमें मुबला न करें तो ये रही दुआ दुणा, और दुआ पर इनशाला आगे बहुत बयान किया जाएगा क्योंकि दुआओं का बहुत ज़्यादा असर आता है हम दवाओं से ज़्यादा दुआ कारगर होती है ऐसा नहीं कि दवा दुण, नहीं करना है दवा करना भी है लेकिन दवा से बढ़कर दुआ मौसर इलाज है एफ़ेक्टिव इलाज अगर है ट्रीटमेंट तो वो दुआ है दवा के साथ साथ और दुआ का असर इंसान के तबक्ल अखलास अल्लाह पर उसका किस कदर ईमान है उसके मुताबिक उसका असर होता है तो हम पूरे मुकम्मल अतमाद के साथ अल्लाह पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह रब्लम ही शफा देने वाला है वह वा मरीज को फहो व अगर हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्लम ज़रूर हमें शफा अदा करेगा और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अगर दुआएं सिखलाई हैं बीमारियों से बचने के लिए तो बीमार होने के बाद भी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है कि बीमार अगर हो जाए इंसान तो दुआएं क्या करें ये भी दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखलाई है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्ह वसलम के पास अगर कोई शख्स आता बीमार अल्लाह के नबी सल्ह वसलम या उसकी तीमारदारी के लिए जाते यादत के लिए जाते तो ये दुआ करते थे अल्लाह मरबन्नास खशफी शाफी ला शिफा अबरबन्नास खशफी ला शिफा शिफा उफ़ा तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे हम बीमार हों दुआ करें बीमारी से बचने के लिए दुआ करें और ये दुआ तो बार बार हम पढ़ते ही हैं अभी फिल वक्त जो इस माहौल से हम गुजर रहे हैं उसमें बार बार ये दुआ हमारे सामने घूमती रही होगी सोशल मीडिया पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है अल्लाह इन्नी आरो बेका मनसबा निक व तहब्बुल आफियतिक व फुजाति नकमतिक व जमे इसल्ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे बार बार और इसमें भी है चार चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के अंदर जमा फ़रमाई है अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ किस चीज़ से कि तेरी दी हुई नेमत मुझसे छीन ली जाए जो नेमत तूने मुझे दी है वो मुझसे छीन ली जाए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस चीज़ से वह तहवुल आफियतिक और मेरी जो सेहतमंद सेहतमंदी जो मुझे दिया है तूने सेहतमंद जो मुझे बनाया है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तू मुझे बीमारियों में मुबतला न कर तो यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी यानी हर बीमारी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराम मांग रहे हैं और यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे अल्लाहबिका मिनल बसी वल जुनौनी वल जुदामी और अहमद अबूद नसई की यह दुआ बार बार हमारे सामने आती रही होगी कि कोरोना के, के हवाले से कि कोरोना में यह दुआ करें कोरोना में कोरोना से बचने की यह दुआ है यह दुआ आम दुआ है हर बीमारी से बचने के लिए हर बीमारी से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सी है कि अल्लाह मैं बरस से तेरी पनाह चाहता हूँ जुनून यानी मैडनेस इससे पनाह चाहता हूँ जुसाम के बीमारी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ये इक्साम और हर किस्म की बुरी बीमारियों से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह चाहते थे बीमारियों से दुआ किया करते थे तो हमारी भी हम ये आदत बना लें कि दुआ करते रहें हम हमेशा अल्लाह हरबुल आलमी से सुबह शाम अल्लाह रबालमी से दुआ करें परवरदिगार हमें बीमारियों में मुबला ना करें परवरदिगार तेरी नहमतों को हमसे ना छीन ले परवरदिगार तो हमारी सेहतमंदी को बीमारियों में मुबतला ना कर दे तो ये दुआएं अल्लाह रबालमी से हम हमेशा मांगते रहना है जब हम सेहतमंद रहें उस वक्त भी जब हम सेहतमंद रहें उस वक्त भी हम अल्लाह आलमीन को याद रखेंगे तो ये याद रखें कि अल्लाह आलमीन हमारी बीमारी में हमें याद रखेगा जो अल्लाह आलमीन को सेहतमंद होकर आराम और चैन खुशहाल होकर अल्लाह आलमीन को याद रखता है रब्बुल आलमीन उसकी परेशानियों में उसे याद रखता है वक्त ज़्यादा हो जा रहा है इनशाला इसी पर हम बात मुकम्मल करेंगे आइंदा भी कि दुआओं का असर क्या होता है और हमारी सेहत की किस तरीक़े से हम हिफाजत करेंगे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की तलीमत इसके मुतल हमें क्या मिलती हैं इन श्ला आइंदा दरस में बयान किया जाए अल्लाह रब्लम से दुआ है अल्लाह रब्लम हम तमाम को हर किस्म की परेशानियों से मुसीबतों से बीमारीयों से ला रबालमीन महफूज रखे जब तक रखे हमें दीन इस्लाम पर बाकी रखे जब हमारी मौत हो तो दीन इस्लाम पर हमारी मौत हो बाना